हे गाइस नमस्ते अदब सत श्री अकाल जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आपको अपना पूरा दिनचर्या शॉर्ट में बताऊंगी। यहाँ पर हम सुबह सुबह आए थे रिलायंस के स्मार्ट पॉइंट में, जहाँ पर हमने कुछ हाउस होल्ड चीज़ें ली। उसके बाद बाहर पे हमने देखा नेटमेट्स का यहाँ पर शुगर टेस्ट हो रहा था, तो हमने कहा क्यों ना बीपी एंड शुगर टेस्ट किया जाए। तो मेरा बीपी एंड शुगर टेस्ट अमित जी ने करवाया कि एक काम करो फ्री में हो रहा है करवा लो। मैंने कहा चलो यार करवा लेते हैं। उसके बाद हमने ऐसे सामान अपना शुगर टेस्ट किया, मेरा शुगर और बीपी दोनों नॉर्मल था, तो हमने कहा चलो यार अब सीधा घर चलते हैं। और यहाँ पर हमारी मेहमान भी आई थी नीतू, जिसके साथ हम चल पड़े झंडे के मेले की ओर। तो यहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी क्लिप्स दिखाऊंगी झंडे के मेले की। तो फाइनली हम इवनिंग के टाइम पर पहुँच गए थे। हमारा बहुत रैंडम प्लान बना था गाइस कि चलो यार चलते हैं। यहाँ पर अमित जी में और नीतू तीनों के तीनों पहुँच चुके थे झंडे के मेले में। फिर मैंने सोचा यार चलो जाया जाए। यहाँ पर नीतू भी बहुत सारी चीज़ें ले रही थी क्यूट क्यूट सी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सस्ती और बहुत प्यारी चीज़ें मिल रही थी। मैंने कहा चलो यार मैं भी लेती हूँ। तो मैंने बहुत रेयरली वीडियो कैप्चर करी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड हो रखा था यहाँ पे। मेरा बिल्कुल कैमरा निकालने का मन नहीं था, तो मैंने कहा चलो यार छोटी मोटी वीडियो तो कैप्चर कर ही लेती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे आए गुरुद्वारा में, श्री गुरु राम राय दरबार साहिब गुरुद्वारा में। तो अमित जी यहाँ पर हर साल आते हैं, इवन दो मम्मी पापा भी हर साल आते हैं यहाँ पे। तो अमित जी ने कहा चलो यार यहाँ पे दर्शन करते हैं। तो नीतू ने कहा दिया आप और भैया पहले जाओ, तो हम दोनों के दोनों चल पड़े। हमने यहाँ पे दर्शन करे और दर्शन करा, प्रसाद चढ़ाया और बड़ा मज़ा आया। मतलब बहुत अच्छा सा लग रहा था, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था क्योंकि झंडे के मेला तो चल ही रहा था। यहाँ पे 15 से 20 दिन का झंडे का मेला लगता है, जिसमें हमने कहा चलो यार हमारा रैंडम प्लान बन ही गया था। हमने कहा चलते हैं। तो यहाँ पर आप कहीं देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्राउड है। हमने यहाँ पे दर्शन किए, उसके बाद नीतू की बारी आई, नीतू ने दर्शन करे और हम चल पड़े। तो गाइस यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद हमने सीधा यहाँ पर करे भगवान जी के दर्शन। तो आप हमें देख सकते हैं दर्शन करने के बाद नीतू की बारी आई और फिर नीतू ने भी यहाँ पे दर्शन किए। उसके बाद हमने छोटी छोटी क्लिप्स बनाई है, आप यहाँ पर देखते रहिए। गाइज हम सब ने दर्शन करने के बाद मैंने कहा चलो यार ये चीज़ें कैप्चर करी जाए। तो यहाँ पे आप इस गुरुद्वारा की प्राचीन कारीगरी देख सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर मुझे लग रहा था। मैंने कहा यार इन सबको मैं कैप्चर करती हूँ अपनी आँखों में भी और मोबाइल में भी आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आप भिन्न प्रकार की मूर्तियाँ देख सकते हो, मूर्तियाँ के यहाँ पे पेंटिंग आप देख सकते हो। मतलब इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना देख के, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम सब तो खैर क्या ही थे, हम तीनों के तीनों चल पड़े अपनी बाइक की ओर, क्योंकि अमित जी ने बाइक किसी के घर के बाहर पार्क करी थी। तो अमित जी जल्दी जल्दी जा रहे थे कि यार मैं बाइक लेके आता हूँ, आप लोग यहीं वेट करो। तो हम आगे पे वेट कर रहे थे और अमित जी बाइक लेके आए। तो हम यहाँ चौक पर वेट कर रहे थे हम दोनों के दोनों की, यार अमित जी अब आएंगे अब आएंगे। 10 से 15 मिनट हो गए, आए नहीं महाराज जी। हम कह रहे यार कहाँ चले गए, फिर फाइनल देखा चलो यार आ ही गए महाराज जी। चीज़ें ख़त्म होने के बाद हमारा सबसे पहले टास्क था नीतू को उसके रूम पे ड्रॉप करना। तो हम गए नीतू को उसके रूम पे ड्रॉप करने। भाई हाथ मत रखो बे वो, और ना जैसे मैंने इतने आगे जाके रोकी एकदम से ब्रेक मारूंगा तो फिसल जाऊंगा। हाँ।
आगे जाके रोकी कम से कम, भाग के भाई गर्दन पकड़ी मेरी और बंदूक लगा दी, कहा घुस रहा मैंने बोला भाई कुछ पता नहीं चल रहा। पहले ना आर्मी की भर्ती इस ग्राउंड में होती थी। बाय बाय कर ले हमें। बाय बाय। बाय बाय। चलो मैं। बाय बाय मेरे को। मोड़ो गाड़ी। घर आने के बाद मम्मी को मैंने अपने सॉफ्ट टॉय दिखाए, मम्मी को बहुत ज़्यादा क्यूट लग गए ये सॉफ्ट टॉय मिज्जी ने मुझे दिलाए। चीज़ें कलेक्ट करने का बड़ा शौक़ है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मेले में झंडे के मेले में मुझे मिली जो कि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी। मैंने कहा यार क्यों ना ली जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, मतलब फालतू की चीज़ें हैं जो कि शायद मैं यूज़ भी ना करूँ, पर मुझे इनको कलेक्ट करना बड़ा ही ज़्यादा प्यारा लगता है। आप ये देख सकते हो, ये देख सकते हो क्यूट सा, ये देख सकते हो रबर, मतलब ये फालतू की चीज़ें हैं टू बी ऑनेस्ट, जो कि अमित जी साफ बोलते हैं यार क्या फालतू की चीज़ें ले रहे हो, पर मेरा बड़ा मन करता है मैं इनको यहाँ पे बस संभाल के रखूँगी, यूज़ नहीं करूँगी पर संभाल के रखूँगी। ये देखो ये तो खैर यूज़फुल चीज़ है, कुछ कुछ है, ये देखो पेन है, ये सो ये देखो गाइस फालतू की चीज़ें हैं, पेन है, पर मुझे कलेक्ट करने का बड़ा शौक है तो फालतू की चीज़ें लेके आई हूँ। मैं आपको और भी दिखाती हूँ, वेट, ये तो ये लेके आए हैं क्यूट सा मिर्ची, ये देखो ये लेके आए हैं, और ये है मतलब फालतू की चीज़ें, पेन स्टैंड और मतलब ऐसी बस फालतू की चीज़ें, ये भी लेके आए हैं, ये देखो ये क्यूट सी,